डियर फ्रेंड्स नमस्कार। आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको इंग्लिश बोलनी नहीं आती है। फ्रेंड्स, आप में से बहुत लोगों को तो इंग्लिश बोलने के मौके भी नहीं मिले होंगे और आज आप खुद को कटा हुआ हीन भावना से ग्रस्त पाते हैं। और आप में से बहुत से पेरेंट्स तो ऐसे भी हैं जिन्होंने बच्चों को बहुत बड़े बड़े स्कूलों में दाखिला दिलवा दिया लेकिन पीटीएम्स तक अटेंड नहीं करना चाहते हैं क्योंकि वहां पे तो अच्छी इंग्लिश बोलनी पड़ती है और उनको इंग्लिश नहीं आती। बहुत मेहनत करके बड़े बड़े सर्टिफिकेट्स और डिग्रीज तो हासिल कर ली लेकिन बड़ी बड़ी इंटरव्यूज को क्रैक नहीं कर पाए क्योंकि मैंने इंग्लिश बोलनी नहीं आती। तो मैं लाई हूँ आज आपकी इंग्लिश रिलेटेड प्रॉब्लम्स के सारे सॉल्यूशन और मैं ये आशा करती हूँ कि आप आज से नहीं अभी से फ्लुएंट इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आपका आज का इंग्लिश का कोर्स। फ्रेंड्स, हम कितने राउंड लेते हैं, सोफा, बेड, टीवी, हमारे और ये सारी चीजें इंग्लिश में तो बोलते हो। तो लाइए अब आपको इंग्लिश बोलना सिखाते हैं ओनली विद सम मैजिक वर्ड्स। दिस इज अ, अब इसके साथ दिस इज अ लगा के आप जितने मर्जी नए शब्द नए सेंटेंस बना सकते हैं सैकड़ों। This is a pen, a trophy, this is a slate, this is a pencil, this is a banana. Friends, जिस तरह से आपने ये सीख लिया है कि एक चीज को, किसी एक चीज को दिखाने के लिए, बताने के लिए हम बोलते हैं this is a, उसके बाद आप अपनी इमेजिनेशन को जितना मर्जी उड़ने दीजिए, this is a pen, this is a pencil, etc., etc. Now I'm telling you about more things, many things. तो अभी this का plural क्या होता है? आपको पता है? These are. Is का plural are. तो अब हम ज़्यादा चीज़ें दिखाएँगे. These are pens. These are goggles. More than one. These are bananas. These are books. These are trophies. तो इस तरह से आप more than one चीजों को these are के साथ बना सकते हैं, बता सकते हैं these are friends. ठीक है जी। Now I would like to speak you another word that. The third one is that. जिस तरह से this is या these are near things के लिए है, हमारे पास पड़ी हुई चीजों के लिए है, when we are speaking for the far things, जब हम दूर पड़ी हुई चीजों की तरफ से इशारा करते हैं तो we use words that. एक word के लिए that is a building, that is a house, that is a temple, that is a road, that is a person. तो चीजें आपसे दूर पड़ी हुई हैं। एक चीज के लिए यूज करते हैं दैट, दैट इज अ बिल्डिंग। और जब हमने ज्यादा चीजों की तरफ, दूर वाली ज्यादा चीजों की तरफ इशारा करना है देन वी विल यूज दैट का प्लूरल क्या हो गया, दोज। और इसका आर, दोज आर बिल्डिंग्स। फ्रेंड्स, अब आपको समझ लग चुका होगा जब हम दूर की एक चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं तो दैट इज, जब हम ज्यादा चीजों के लिए, दूर की ज्यादा चीजों के लिए कर रहे हैं तो तब हम लगाएंगे दोज आर। अब हमारा आज का चैप्टर यहीं फिनिश होता है बट मैं ये विश्वास करती हूँ कि आप आज से ही नहीं अभी से बहुत सारे ढेरों सेंटेंसेस अपने आस पास दिखती हुई चीजों के साथ ही बना सकते हैं। अगर आप नेक्स्ट वीडियो में जो नए वर्ड्स इंग्लिश के सॉल्यूशन हम लेकर आ रहे हैं वो मेरे वर्ड्स होंगे वॉच, वेयर, व्हेन, भूलिए नहीं शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल ऑफ सोनिया खुराना, डोंट फॉरगेट एट ऑल एंड वी विल बी सून हियर विद योर नेक्स्ट इंग्लिश सॉल्यूशंस।